देश के चौथे स्तंभ को मजबूत और दृढ़ बनाने वाला आज खुद इतना बेबस और लाचार हो गया है। जाने क्या वजह है कि आए दिन पत्रकारों की मौत और आत्महत्या की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना उन्नाव से है। पत्रकार सूरज पांडे ने सुसाइड कर लिया है या उनकी हत्या की गई है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। गुरुवार देर शाम पत्रकार सूरज पांडे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक यह मामला सुसाइड का है। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट महज ट्रेन दुर्घटना की तरफ इशारा कर रही है, जबकि परिवारजनों का कहना है कि महिला एसआई और कांस्टेबल के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक की महिला पुलिस से बातचीत भी होती थी। इसके आधार पर पुलिस ने धारा 302 तथा 120 बी के तहत आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। कल हम लोगों को सूचना मिली कि हमारे पत्रकार साथी सूरज पांडे का शव रेलवे ट्रैक पर है। हम लोग मौके पर गए और उसका घटनास्थल का निरीक्षण किए, तो इसके बाद पोस्टमार्टम और कार्रवाई भी कराई गई। तो अभी एंटीमार्टम इंजरी निकल कर सामने आई हुई है। परिजनों ने तकलीफ दी है, कुछ हमारे यहाँ महिला एसआई और एक ड्राइवर पर आरोप लगाए हैं। उस आरोप के आधार पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। हमने अभी एक अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जांच के आधार पर हम लोग अभियोग, जैसा कि परिजनों ने तहरीर दिया है, उसके आधार पर हम लोगों ने 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है और अभी जांच चल रही है। जांच के बाद हम लोग अग्रिम विधि कार्रवाई। थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 726/20 धारा 302 120 की 506 आईपीसी की निष्पक्ष विवेचना और जांच हेतु सीओसीटी श्री गौरव त्रिपाठी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। इसमें श्री दिनेश चंद्र मिश्र इंस्पेक्टर कोतवाली, श्रीमती अर्चना गौतम निरीक्षक, निरीक्षक श्री अशोक कुमार पांडे, एसआई श्री फिरोज खान, प्रभारी सर्विलांस टीम और एसआई श्री गौरव कुमार प्रभारी स्वाट टीम शामिल है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि एसआई श्रीमती सुनीता चौरसिया जो बिहार थाने में तैनात है और ड्राइवर अमर सिंह जो महिला थाने में तैनात है, ये दोनों किसी को बिना बताए, बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रूप से थाने से अनुपस्थित हो गए हैं। इनकी इस लापरवाही और अनुशासनहीनता को देखते हुए एसपी सर द्वारा तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया गया। अभियोग की विवेचना जारी है, शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कल शाम एक पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रैक पे दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बारे में जो सूचना मिली थी, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जाके पहचान कराई गई। उसमें ये पाया गया कि जो मृत व्यक्ति है, जो डेड बॉडी है, वो सूरज पांडे जो कि पायोनियर के पत्रकार है, उनकी पाई गई। प्रथम दृष्टया जो सर्कमस्टेंसेस है उसके अनुसार ये प्रतीत हो रहा है कि ये केस सुसाइड का केस प्रतीत हो रहा है। जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें जो इंजुरीज आई है वो ट्रेन दुर्घटना से होने वाली इंजुरीज होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। परिवारजनों के द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त करते हुए एक एफआईआर थाना कोतवाली पर पंजीकृत की गई है, जिसको 302 धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उसमें आरोप लगाया गया है कि दो पुलिसकर्मियों के द्वारा उनसे कुछ धमकाने के कारण उनके द्वारा आत्महत्या की गई है। इसमें तथ्य ये सामने आया है कि उनका एक महिला पुलिसकर्मी और एक कांस्टेबल, जिसमें से महिला पुलिसकर्मी के साथ इनकी बातचीत होती थी और उसी के आधार पर परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, जिसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। सभी बिंदुओं पर गहनता से विवेचना की जा रही है और विवेचना के आधार पर पूरी प्रकरण में जो है कार्रवाई की जाएगी।